बेटा सुनो, इधर आओ। इसे जानते हो बेटा? ये तो मेरी माँ है। अच्छा, कहाँ रहते हो बेटा तुम अपनी माँ के साथ? हम लोग वो वहाँ रहते हैं। सुनो, यहाँ मुझे इनसे मिलना है। ये तो मेरी माँ है, ये आपको ऊपर मिलेगी, आप सीढ़ी से चल के चले जाइए। सुनो जी, मुझे इनसे मिलना है। ये तो हमारी माँ है, आपको इनसे मिलना है? हाँ, इनसे मिलना है। कहाँ मिलेगी ये? ये आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, आप यहाँ से सीधा ऊपर चले जाइए, ये आपको वहीं मिलेंगी। एक घर, एक औरत और उसकी 40 बेटियां, क्या यह संभव था? हमारी आज की कहानी एक ऐसे अमानवीय अपराध की कहानी है जिसे कोई इंसान के साथ तो क्या जानवर के साथ भी नहीं कर सकता। यह घिनौना अपराध इतना विभत्स था कि कोई इसकी कल्पना अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं कर सकता। अरे आशा, देखा देखा देखा, अरे इतनी बड़ी हो गई है बेटा। अरे देखो, हमको दबोट रहा है, जब पैर दबोटने बोलते हैं तो जांगर नहीं लगता तुम्हारा। अरे देखो, तुम हमको दबोट रही हो, अरे गिर जाएंगे ना। ए उषा, देख रही हो अपनी बिटिया को कितनी बदमाश हो गई है। हाँ, आशा छोड़ दे अपने बाबा को, अगर गिर गए या दांत टूट गया तो सब दांत टूटा बुलाएंगे। तो जोड़ी बनाए हो तुम दोनों मिलके माँ बेटी, अभी गुदगुदा गुदगुदा के तुमको बताते हैं। अरे रुको, चलो चलो खाना लगा देती हूँ, चलो। आज पता है सुनीता मैडम हमें क्या बताई? हमारे नाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंग्लिश में का नाम बदल जाता है? नहीं बाबा, इंग्लिश में मतलब बदल जाता है। आशा का मतलब है होप। सुने? हाँ सुने। क्या सुने बोलो? अच्छा, का बोली थी एक बार फिर से दोहरा। हो हाँ? होप। होप नहीं बाबा, होप, HOPE, होप। अरे वाह बेटा, तितली बनाए हो, पढ़ लिख के तितली की तरह उड़ेगी हमारी होप। धीरे जाओ, भागो मत। आशा, तुमने हाथ धोए? कुछ भी खाने के पहले हाथ धोना चाहिए ना। तुम्हारे ये क्यूट फेसेस ना यहाँ नहीं चलेंगे, जाओ पहले जाके हाथ धो वॉशरूम में। गो। जीओ मैडम, हमको बुला रहे हैं फोन करके। आप आशा के बाबा हैं क्या? आखिर बच्ची स्कूल से कहां चली जाएगी? वॉचमैन ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा। सर, हमें भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ। इसके पहले स्कूल में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। सर, हमने स्कूल का हर एक कोना चेक किया, आशा स्कूल में नहीं है।
क्या हुआ? कहाँ चली गई हमारी आशा? आए दिन स्कूल्स में बढ़ते अपराध की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, और इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्कूल्स के लिए कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस बनाई हैं, जिसका नियमित रूप से पालन करना हर स्कूल के लिए अनिवार्य है, और हर माँ बाप को इस बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे का स्कूल उन गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो भी कर रहा है या नहीं, क्योंकि हमारी जरा सी लापरवाही की वजह से इन अपराधियों को मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का मौका मिल जाता है। बच्चों, मैं सचदेवा अंकल हूं, और आपकी मैम ने मुझे बताया कि आप फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में मेरे कपड़े पहनते हो। आज हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे, और जो बच्चे मेरे सवालों के सही जवाब देंगे उन्हें चॉकलेट्स मिलेंगे। रेडी? गुड। लेकिन ये सीट खाली है, यहाँ कौन बैठता है? अंकल, यहाँ आशा बैठती है, चॉकलेट। अच्छा, तो आशा यहाँ नहीं है तो बिना आशा के हम गेम कैसे खेलेंगे? अंकल, वो लंच के बाद क्लास में आई नहीं। अच्छा, लो तुम्हारी चॉकलेट। अंकल, आशा मेरे साथ ही रोज लंच करती है, पर आज वो नहीं आई। मैंने उसको ग्राउंड में भी बहुत ढूंढा, फिर भी नहीं मिली। तो आशा आप में से किसी के साथ यहाँ से बाहर गई थी? अंकल, क्लासरूम से मैं और आशा एक साथ निकले थे, उसके हाथ थोड़े गंदे हो गए थे तो मानसी आंटी ने उसे हाथ धोने के लिए कहा, और फिर वो वॉशरूम चली गई। सर, मानसी तो उस एनजीओ से है जहाँ से रोज मिड डे मील आता है। मानसी का नंबर दीजिए। सर, मानसी का नंबर तो बंद है। एनजीओ का एड्रेस है आपके पास? जी। राणा, तुम फौरन एनजीओ चले जाओ और मानसी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो। सर। साहब, अभी इतना ही है साहब, और ला देंगे साहब, और ला देंगे बैंक से, आशा की माँ के चेयर वगैरह सब। आप कुछ शिकायत नहीं होने देंगे साहब, हमारी बच्ची को खोज दीजिए साहब, हमारी बच्ची को खोज दीजिए, हमारी बेटी के बदले आपको जो चाहिए सब ले लीजिए साहब, हमारी बेटी ला दीजिए, हमारी बेटी ला दीजिए। रमाकांत, हम पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे कैसे नहीं मिल रही है? सुबह तो निकली थी स्कूल के लिए। मैं स्कूल में ढूंढ लिया, आशा कहीं नहीं है। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी ला दो, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी ला दो। अरे राजू, तू भी हाथ लगा रहे? पूरा पूरा मैंने उठा रखा है। तूने पूरा उठा के रखा है तो मेरी तरफ से क्या हवा में है क्या? तुम लोग इसी तरह से लड़ते रहे ना तो हो चुकी लड़की बॉर्डर पर, जल्दी करो। पुलिस का शक सही था, मानसी ही आशा को अगवा करने के लिए जिम्मेदार थी। हमारे देश में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त खाना प्रदान करती है, और ऐसी एक संस्था में मानसी अपना नाम बदलकर इस गिरोह के खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे रही थी। लेकिन इसके बाद आशा के साथ जो कुछ होने वाला था वो बहुत ही दर्दनाक और भयानक था। सर, मानसी पिछले 3 महीने से यहाँ पीजी रहती है, उसका कमरा किधर है? सर, लगता है वो यहाँ से चली गई है, उसका सामान भी यहाँ नहीं है। लगता है इस मानसी ने इस बच्ची के साथ अपना भी शमैना उखाड़ लिया है। सर, मानसी के मोबाइल नेटवर्क कंपनी से मैंने बात की, उसकी लास्ट लोकेशन स्कूल की थी और तभी से फोन स्विच्ड ऑफ है। ठीक 11:30 बजे उसने अपना फोन ऑफ किया था सर, और बच्चों का लंच ब्रेक भी उसी वक्त होता है। हो सकता है सर कि सिम और मोबाइल फोन्स बदल बदल कर काम कर रही होगी वो। राणा, हम मानसी से ऑलरेडी काफ़ी पीछे हैं, अगर वो अपने मोबाइल नंबर चेंज कर रही थी तो इसका मतलब है कि उसे मोबाइल लोकेशन और मोबाइल की एक्टिविटी को कैसे मैनेज करना है पता है, और ये सिर्फ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को ही पता होता है। कहीं कोई बच्चे उठाने वाला गैंग तो नहीं है? राणा, फौरन दिल्ली के हर पुलिस स्टेशन में बच्ची की फोटो भिजवाओ।
हर चेक पोस्ट, दिल्ली के हर एग्जिट पर बच्ची की फोटो होनी चाहिए। रेलवे स्टेशन, पब्लिक बसेस को पहले खंगालो। अपने खबरियों को भी अलर्ट करो। सर, मुझे हर हालत में आशा वापस चाहिए, और वो भी सही सलामत। आशा, उठ गई तुम? हम कहाँ हैं? बेटा, आपको याद है, आप वॉशरूम गए थे हाथ धोने के लिए, वहीं पर चक्कर खाकर आप गिर गए थे, इसीलिए हम आपको यहाँ पर डॉक्टर के पास लाए हैं। लेकिन मैं डॉक्टर अंकल के पास अपने बाबा के साथ आती हूँ, बाबा किधर है? बाबा भी आएंगे ना, वो किसी काम में थे ना, इसलिए अभी नहीं आ पाए। हाँ, अच्छा बेटा, ये राजू अंकल है, ये अंकल तुम्हें अपने पापा के पास ले जाएंगे, ले लो। बोल छोटे, आपने कहा था लड़की के बारे में पता लगाइयो। क्या खबर है? करोल बाग की फिरोजा पता है ना, जिसकी अंडर 16 क्रिकेट टीम हर सिग्नल पे मिलती है। हाँ, उसकी टीम में एक नया मेंबर आया साहब, बच्ची है 8 साल की, आज ही आई है। फिरोजा, आशा कहाँ है? कौन आशा साहब? वो 8 साल की बच्ची जो यहाँ नई नई आई है। ये रही बच्ची साहब। आशा, 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 देख फिरोजा, तेरे पूरे नेटवर्क में आशा अगर कहीं भी है तो मुझे बता दे। साहब, मैं कुछ नहीं जानती। ये मानसी का मिलेगी, उसे तो जानती होगी ना तू? दिल्ली शहर में इस लाइन में कितने सारे लोग हैं, मुझे क्या पता मानसी किसके साथ है। और राजू, उसे तो पक्का ही जानती होगी तू। सर, कौन सा वाला राजू? तू कौन से वाले को जानती है? साहब, यहाँ तो हर किसी ने अपना नाम राजू रखा हुआ है, अजय, एंथनी, अहमद, सब किसी ने, जिससे आप लोग उन तक पहुँच ना पाओ। सब दिल्ली शहर में 150 राजू होंगे, और पूरे हिंदुस्तान में तो हजारों। जब तक आप लोग अपने वाले राजू के पास पहुंचेंगे, तब तक वो बच्ची किसी और राजू के पास पहुंच चुकी होगी। सर, उस बहन का पता चल गया। कामिनी, इसे थाने लेके जाओ। मूव। क्लोरोफॉर्म, ऐसे केसेस में अक्सर बच्चों को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर सुला देते हैं, ताकि उन्हें यहाँ से वहाँ करने में आसानी हो। ये वैन यहाँ है, बच्ची बेहोश होगी तो उन्हें ज़रूर बच्ची को किसी चीज़ में छुपाकर यहाँ से ले जाना पड़ा होगा। एक काम करो राणा, आसपास जो भी लोग मिलें उनसे पूछताछ शुरू करो, अपने खबरियों को भी अलर्ट करो, शायद उन्हें यहाँ से निकलते हुए किसी ने देखा हो। साहब, बबलू बोल रहा हूँ साहब, अभी भी एक बच्ची देखी बसंत विहार में साहब, जैसे आपने फोटो भेजी है ना वैसी है, सेम टू सेम साहब।
एक ही कमरा चेक करो। यस। आशा को ही रखा गया था। इस घर का मालिक कौन है पता करो। सर। ये राजू मूंगफली खाएगा क्या? बिटिया बीमार है, डॉक्टर साहब जवाब दे चुके हैं, तो बाबा के पास ले जा रहे हैं, शायद कोई चमत्कार हो जाए। गांव छोड़ के जब दिल्ली आए थे तो सोचा सब ठीक हो जाएगा, नौकरी करेंगे, मेहनत से बिटिया को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बहुत बड़ा बनाएंगे, ऐसा लग रहा था सब है सपना पूरा हो जाएगा, पर सपना इतना मायावा होगा ही नहीं सोचे थे कभी। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको मेरी बिटिया मिल जाए, हम उसको लेके गांव चले जाएंगे, कुछ नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं अरे मैं हूं ना, मैं ही तो हूँ थारी माँ। आप झूठ बोल रहे हो, आप मेरी माँ नहीं हो। देख मैं थारी को थारी माँ से कम प्यार ना करूंगी, और फिर माँ ही तो थप्पड़ मारे है ना, हाँ तो फिर इस थप्पड़ के रिश्ते से मैं थारी माँ ही तो हुई ना, हाँ तो बोल खाएगी एक थप्पड़, बोल बोल खाएगी, तो बोल बोल मैं थारी कौन हूँ, बोल कौन हूँ मैं थारी, शाबाश। अरे तू तुम्हारी सबसे फेवरेट बेटी बनेगी। हेलो ठीक है मैं अभी आता हूँ। सर जिस जगह पर किडनैपर्स ने आशा को रखा था वो जगह अजमेर के किसी राजेश मंटोला की है, ये रहा उसका एड्रेस। काम की है अंकल, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये सब किस लिए? आपको जल्दी जल्दी बड़ा होना है ना, और अपनी इस गंदी माँ से लड़कर अपने माँ बाप के पास जाना है ना। तीन महीने में तैयार हो जाएगी।
हमने पूछताछ की है, मंटोला की वो प्रॉपर्टी अक्सर बंद रहती है, वहां कोई आता जाता नहीं है, केयरटेकर भी नहीं है वहां। राणा, राजेश मंटोला से भी कुछ पता नहीं चला। सर एक हफ्ते से ऊपर हो गया लेकिन अभी तक हमारे पास आशा का कोई क्लू नहीं है। लेकिन हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे राणा, आशा के किडनैपर्स को हम ऐसे नहीं जाने देंगे और ना ही आशा को। से बड़ा होना है ना, ताकि तुम अपने माँ बाप से मिल सको। देखो मैं तुमको इंजेक्शन देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बी ए गुड गर्ल आशा। छोरी तेरे में अभी तक इतनी भी ताकत ना आई है कि तुम्हारे को हरा सके है? अभी तो तुझे बहुत बड़ा बनना है, और इतना बड़ा बनना है कि तुम्हारे को हरा सके। नहीं चाहिए इंजेक्शन, नहीं चाहिए। आशा बेटा नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। आशा को जब अगवा किया गया तब वो महज 8 साल की थी, लेकिन सिर्फ 3 ही महीनों में उसका शरीर और दिमाग दोनों 13 से 14 साल की लड़की की तरह लग रहा था। लेकिन ये सारे बदलाव उसके अंदर अपने आप नहीं आए थे, बल्कि लाए गए थे, और ऐसा करने के लिए ये अपराधी दरिंदगी की सीमा को भी लांग चुके थे। आशा की पूरी जिंदगी अब तबाही की ओर बढ़ रही थी, और उस मासूम बच्ची को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि कैसे ये लोग उसकी जिंदगी और उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। 3 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी थी, और आखिरकार वो सुराग मिल ही गया जिसका दिल्ली पुलिस को इंतजार था।
पुलिस, राजस्थान से पुलिस आ रही है। सुन, गाड़ी मत रोकना, चलने दे। अगर वो गाड़ी ना रोके तुम भी मत रोकना। सच में उसमें खाना है, क्या हुआ? चेक करो। ओके, खाना सर। मानसी, ना ही तुम्हें औरतों वाला दिल है और ना ही हम तुम्हें औरतों वाली कोई ट्रीटमेंट देंगे। अब मुझे साफ साफ बताओ, आशा कहाँ है? साहब, मुझे नहीं पता, मैं तो बस राजू को लड़कियां दे देती हूँ और पैसे ले लेती हूँ, उसके बाद में वो लड़कियों को कहाँ लेकर जाता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये एक बहुत बड़ी चेन है। इस बड़ी चेन की अगली कड़ी तक अब तुम हमें लेके जाओगी मानसी? छोटी मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलते हो, किस दलदल में फेंक के आया आशा को? बोल। सर, हाईवे पे छोड़ा था साहब। सर, वहां से कोई दूसरा राजू ले गया होगा और फिर वो कहां ले जाता है मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता। सर, ये रास्ता तीन जगहों पे निकलता है, एक पुरानी दिल्ली, दूसरा मथुरा के रास्ते राजस्थान और आगरा, और तीसरा नई दिल्ली। इन तीनों डायरेक्शन में से वो कहीं भी जा सकते हैं। राणा, इससे पहले वो आशा को कहीं और शिफ्ट करें, हम उसे ढूंढ निकालें। पानी ले लो भैया, पानी। वो यही उतरा था छोरी को लेके, छोरी गोद में सो रही थी तो मैंने पूछा भी, क्या हुआ है छोरी को? बिटिया बीमार है, डॉक्टर साहब जवाब दे चुके हैं। देख देख कितनी खूबसूरत लग रही है, हीरोइन लग रही है हमारी लाड़े सा। सच में बीना माँ, मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो ऐसे थोड़ी ना सारे बच्चिया मैंने बीना माँ कहे हैं, और तेरा भी तो ध्यान रखती हूँ ना। अरे हमारी बच्ची, सर राजेश बोल रहा हूँ। सर, मैं यहाँ बासिरगांव पहुंच गया हूँ, लड़की शायद यही है, पक्का तो नहीं बता सकता लेकिन एक चांस जरूर ले सकते हैं। हम तुम्हारे कॉल का वेट कर रहे हैं, वहां पहुंच के हमें कंफर्म करो। और सुनो, अपना फोन साइलेंट पे रखना, ऑफ मत करना। ठीक है सर। बेटा सुनो, इधर आओ। इसे जानते हो बेटा? ये तो मेरी माँ है। कहाँ रहते हो बेटा तुम माँ के साथ? हम लोग वो वहाँ रहते। सुनो, यहाँ मुझे इनसे मिलना है। ये तो मेरी माँ है, ये आपको ऊपर मिलेगी, आप सीढ़ी से चल के चले जाइए। जी ठीक है जी, मुझे इनसे मिलना है। ये
ये तो हमारी माँ है, आपको इनसे मिलना है। कहाँ मिलेगी? आप यहाँ से सीधा ऊपर चले जाइए, ये आपको वहीं मिलेंगी। सुनो बेटा, तुम्हारा नाम आशा है, तुम रमाकांत और उषा की बेटी हो ना? कौन है तुम? अंदर कैसे घुसा है? देखो कोई घुसा है, पकड़ो। शायद ये पुलिस का आदमी था। आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिलहाल बंद है। ये काफी देर से एक ही लोकेशन दिखा रहा है। सिग्नल टूट गया है, लगता है फोन स्विच ऑफ हो गया है। ये रीसेंट लोकेशन कौन सा? लगभग 20 किलोमीटर दूर। मैंने राजू से कहा था फोन स्विच ऑफ ना करें। मूव। लास्ट लोकेशन इसी एरिया का था। देख छोरी, अब थारी जिंदगी बहुत बड़ी होने जा रही है। ये बड़ी बड़ी जगहों पर उठना बैठना रहेगा तारा। हाँ, किसी भी चीज की कोई कमी ना रहेगी थारे को। ऊपर देखते हैं। सारे कमरे चेक करो। इधर चेक करो, इंजेक्शन और सिरिंजेस सब कुछ यहीं पड़ा है। इसका मतलब उन्हें अंदाजा हो गया था कि पुलिस आने वाली है। पर एक बात तो पक्का है, यहां लड़कियों को रखा गया था। हम उनमें आशा भी थी या नहीं ये नहीं पता। सर यहां आइए जल्दी। आशा यहीं थी। कहाँ भाग रहे थे तू? नहीं सब मर ले तो नहीं। तेरे को क्या लगा तुम लोग घर खाली कर दोगे तो हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? ले चलो सर। खंबा खड़ी आओ पधारो।
ये इतने सारे पासपोर्ट? माजरा क्या है? हुजूर, हम धंधा करते हैं, जहाँ से छोरियाँ तैयार करके बाहर भेजते हैं वहाँ मरे जो आदमी अपने साथ ले जाता है उसके साथ रहते हैं, उसे मजा कराते हैं, बस यही हमारा काम है। जो छोरी पेट से हो जाती है उसे यहाँ वापस भेज देते हैं। जब वो छोरी बच्चा पैदा कर लेती है, अगर वो छोरा हुआ तो उसे लड़कियों लाने वाला दलाल राजू बना देते हैं, और अगर छोरी पैदा हुई तो उसे इंजेक्शन देकर बड़ा कर देते हैं और फिर किसी दूसरे आदमी के हाथ भेज देते हैं। इंजेक्शन से सब्जी और फल बड़ा करते थे, अब इंसानों के साथ भी ये सब। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है बेटा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मार क्यों रहे साहब? अरे क्या करें? सर क्या करें? सर ये वही दवाई है। क्या है ये? कौन सी दवाई है? बोल सब से दवाई है। सब सब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो साहब, मैं सिर्फ इंजेक्शन लगाता हूँ साहब। ये कौन सा इंजेक्शन लगाता है तू? हैं? मासूम बच्चों के साथ खेलता है? कौन सा लगाता है? कौन सा लगा साहब? बोल सब सब। गोली नंबर 10। गोली नंबर 10? क्या है इसके अंदर? साहब ये वही इंजेक्शन है जानवरों वाला, हम लोग इसको गोली नंबर 10 बोलते हैं साहब। अब इसको लगाने से बॉडी में हार्मोनल चेंज होता है साहब, और 7-8 साल की बच्चियों का शरीर 3 महीने में ही 14-15 साल जैसा हो जाता है साहब। क्राइम पेट्रोल में हमने अब तक आपको कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन रैकेट की कहानियाँ दिखाई हैं, लेकिन इस गाँव में जो हो रहा था वो इन सब से बिल्कुल अलग था। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा था कि मासूम बच्चियों को एक फसल की तरह से तैयार किया जा रहा था। इस गांव के खेत सूखे थे, लेकिन फिर भी यहां के लोगों की जेबें भरी हुई थी, क्योंकि ये पूरा गांव इस जुर्म में किसी न किसी तरह से भागीदार था। यहां तक कि एक डॉक्टर भी, जिसका काम जिंदगी बचाना होता है, तबाह करना नहीं। पुलिस ने जिस डॉक्टर को गिरफ्तार किया उसने पुलिस को दीपक के बारे में बताया, जो इन लड़कियों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट तैयार करता था। ये लड़की कहाँ है? लड़की बोल साहब, ये मुंबई निकल गई साहब, इसका पासपोर्ट मैंने बनवाया था। मुंबई में कहाँ पर और किस नाम से पासपोर्ट बनवाया तूने? सर श्रुति शर्मा के नाम से पासपोर्ट बनवाया, और आज रात को मुंबई से हो दुबई के लिए पार्सल हो जाएगी। साहब यही हमारी बच्ची है, देखो क्या कर दिया साहब, हमको भी नहीं पहचान पा रही है। आशा बेटा, हमें बेटा तुम्हारे बापू, मुझे याद आया यही तुम्हारे मम्मी पापा हैं।
कुछ ही महीनों में आशा ने सालों का सफर तय कर लिया था और ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से सिर्फ उसके शरीर में ही नहीं बल्कि उसके दिमाग में भी काफी बदलाव आए थे और इसी वजह से उसे अपने अतीत की कोई भी बात ठीक से याद नहीं थी। फिलहाल इसके लिए आशा का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आशा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाए। राजू, मानसी, बीना और इस केस से जुड़े सभी अभियुक्त अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। इन लोगों ने जो किया उसके लिए शायद कानून की किताब में लिखी हर सजा छोटी है। ऐसे अपराधियों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है ताकि फिर कोई ऐसे घिनौने अपराध को अंजाम न दे पाए। ऐसे विकृत दिमाग और ऐसी सोच वाले अपराधियों को ये सबक सिखाना ही होगा कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। स्कूल वालों की एक छोटी सी लापरवाही ने आशा की पूरी जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। उसकी मासूमियत, उसका बचपन दोनों आशा से छिन गए थे। लेकिन फिर से किसी आशा के साथ ऐसा ना हो इसका ध्यान हमें रखना होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।